प्रसिद्ध व्यक्तियों एवं उनके उपनाम के बारे में बात करेंगे, जैसे श्रीमंत गांधी एवं बादशाह खान। श्रीमंत गांधी का बादशाह खान ये इनका उपनाम है। इनका प्रसिद्ध नाम जो है वो है खान अब्दुल गफ्फार खान, जो श्रीमंत गांधी का उपनाम मतलब खान अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार खान खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम है श्रीमंत गांधी या बादशाह खान। यानी या फिर क्वेश्चन इस तरह से कर दीजिए कि बादशाह खान को खान अब्दुल गफ्फार खान नाम से भी जानते हैं। उसके बाद नीचे आता है आंध्र केसरी। आंध्र केसरी को टी प्रकाशम, आंध्र केसरी का प्रसिद्ध नाम जो है टी प्रकाशम है। उसके बाद फ्रेंड्स आप ये तो जानते होंगे चाचा कौन है, चाचा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू चाचा नाम से प्रसिद्ध है जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आप जानते होंगे बापू, महात्मा एवं नंगा फकीर। महात्मा को महात्मा गांधी इसने कहकर बुलाया, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं ये बता देता हूँ कि बापू, महात्मा, नंगा फकीर ये सब महात्मा गांधी जी के नाम है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी के उपनाम है बापू, महात्मा और नंगा फकीर। उसके बाद आता है स्थानीय सुशासन का जनक। स्थानीय सुशासन का जनक कौन है? तो फ्रेंड्स स्थानीय सुशासन का जनक जो है, स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन है। स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। उसके बाद गुरुदेव, गुरुदेव कौन है? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम, टैगोर का उपनाम गुरुदेव है। उसके बाद आता है भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो जो भारत का नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसके बाद आता है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो जो भारत के आइंस्टीन है ये नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। उसके बाद भारत का लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सरदार, इन्हें सरदार भी कहा जाता है। सरदार इनका जो असली नाम है वो वल्लभ भाई पटेल है। वल्लभ भाई पटेल सरदार या लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। उसके बाद पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। उसके बाद भारत कोकिला, भारत कोकिला कौन है? तो भारत कोकिला है सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू भारत कोकिला जो है वो सरोजिनी नायडू है। उसके बाद नेताजी किसे कहा जाता है? नेताजी, तो नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। उसके बाद भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। उसके बाद यह है कि महामना, महामना कौन है? मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि महामना का मतलब जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनकी उपनाम पूछ लेता है कि मदन मोहन मालवीय का उपनाम क्या है? तो ये महामना है, मदन मोहन मालवीय। उसके बाद लोकमान्य, लोकमान्य कौन है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। और लोकनायक कौन है? तो लोकनायक है जयप्रकाश जेपी, यानी जयप्रकाश नारायण नारायण। उसके बाद बाबू कौन है? बाबू है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ। ये थोड़ा बाबू में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है अभी बता रहा हूँ यहाँ पर। हाँ बाबू ये रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है,
ये राजेंद्र प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद है ये बाबू जो है राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। उसके बाद स्वर कोकिला कौन है, यहाँ पर ऊपर एक था, हाँ ये ऊपर था भारत कोकिला, तो भारत कोकिला सरोजिनी नायडू है, लेकिन स्वर कोकिला कौन है, तो स्वर कोकिला है लता मंगेशकर, लता मंगेशकर। तो फ्रेंड्स एक बार इनको फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपके लिए। फ्रेंड्स जैसा कि हमने प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके उपनाम के बारे में बता दिया, मैं एक बार इसको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको एक ही बार में वीडियो देख के और याद हो जाए। ये 10 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो में आपको एक ही बार में ये उपनाम और प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। तो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ इसे। सीमांत गांधी या बादशाह खान का जो प्रसिद्ध नाम है ये खान अब्दुल गफ्फार खान है। उसका आंध्र केसरी, आंध्र केसरी किसे कहा जाता है, टी प्रकाशम, आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहा जाता है। उसके बाद आता है चाचा, चाचा किसे कहा जाता है, चाचा जी यानी जवाहरलाल नेहरू, चाचा जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। उसके बाद आता है बापू महात्मा या नंगा फकीर किसे कहा जाता है, बापू महात्मा या नंगा फकीर, आपको बापू और महात्मा तो याद ही होगा, नंगा फकीर नहीं याद है। और आपने देखा होगा ये बहुत कम कपड़े पहन के घूमा करते थे महात्मा गांधी, अगर इनका फोटो देखे कहीं तो ये नंगे फकीर थे, मतलब बहुत नंगा फकीर इनका मतलब उपनाम है, महात्मा गांधी का उपनाम है नंगा फकीर। उसके बाद स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और इन्होंने इनके समय से 1772 से 1772 से भारत में नियमित जनगणना होना शुरू हुई थी। लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है और लॉर्ड रिपन के समय में 1872 से भारत में नियमित जनगणना होना शुरू हुई थी। उसके बाद गुरुदेव किसे कहा जाता है, गुरुदेव, गुरुदेव इनका उपनाम है, रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम है गुरुदेव। उसके बाद आता है भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसके बाद आता है भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो ये नागार्जुन को कहा जाता है। आपने मूवी देखी होगी नागार्जुन, तो उसमें आता है नागार्जुन, तो आप इस तरह से याद रखिए कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को। उसके बाद आता है भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है या लौह पुरुष किसे कहा जाता है। उसके बाद इनका सरदार भी ये उपनाम है, तो सरदार किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है पंजाब केसरी, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लाला लाजपत राय को, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। उसके बाद आता है भारत कोकिला, मतलब भारत की कोकिला कौन है, भारत कोकिला किसे कहा जाता है, तो भारत कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। उसके बाद आता है नेताजी, नेताजी कौन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी का जो प्रसिद्ध नाम है वो सुभाष चंद्र बोस है। उसके बाद आता है भारत का मार्टिन लूथर, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है दयानंद सरस्वती को, भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। उसके बाद आता है महामना, महामना का प्रसिद्ध नाम क्या है, महामना मदन मोहन मालवीय। जैसे जीएस में कभी कोई पॉइंट सर लगवाते हैं कोचिंग में, आपके देखा होगा आपने, तो जब मतलब पूरा जब टॉपिक उसके बारे में चल रहा हो तो उनका पूरा नाम आता है इस तरह से, महामना मदन मोहन मालवीय, तो मदन मोहन मालवीय का उपनाम महामना है। उसके बाद लोकमान्य, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। यहाँ पर लोग बहुत कंफ्यूजिंग कर देते हैं जब क्वेश्चन, मतलब वहाँ पर क्वेश्चन आता है तो आंसर इस तरह से आता है लोकमान्य या लोकनायक किसे कहा जाता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोकनायक कौन है और लोकमान्य कौन है, तो इसे इस तरह से ध्यान रखें, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लोकनायक, मतलब नायक नहीं खलनायक हूँ मैं ना, उस तरह से कि लोकनायक कौन है, जयप्रकाश नारायण और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद आता है बाबू, बाबू कौन है, बाबू राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है या राजेंद्र प्रसाद का जो उपनाम है ये बाबू है। उसके बाद आता है स्वर कोकिला, स्वर कोकिला नाम से जाना जाता है लता मंगेशकर को, जो फिल्मी दुनिया में स्वर कोकिला मतलब अपने स्वर के लिए प्रसिद्ध हैं लता मंगेशकर। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपके लिए जीएस की बिल्कुल धांसू ट्रिक बता दी है, मतलब ट्रिक तो नहीं बताई है, उपनाम प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम बताएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक मारें तब, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मैं बता दूं आपके लिए कि मैं हर दिन मैं यहाँ पर 7 बजे हर दिन इवनिंग में 7 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ।
PM 7 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ हर दिन इवनिंग में। तो आप लोग ये वीडियो हर दिन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।